ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इस वाली मुर्गी भाई 2 दिन से एक्सपेरिमेंट करा था और आज देखिए आज ये लगभग कुड़क हो ही गई है। तो यहाँ पर भाई ये जो मुर्गी है इसने भाई अपना काम कर लिया, देखिए बतख का बच्चा निकाल लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में भाई मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मुर्गी अंडे देती जा रही है लेकिन कुड़क नहीं हो रही है, या फिर आपकी मुर्गी भाई अंडे भी नहीं दे रही और कुड़क भी नहीं हो रही है, तो आप उसको किस तरीके से भाई ब्रूडी कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको कुड़क कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इस वाली मुर्गी भाई 2 दिन से एक्सपेरिमेंट करा था और आज देखिए आज ये लगभग कुड़क हो ही गई है। आज या फिर आज शाम तक भाई ये 100% कुड़क हो जाएगी। तो उसके पहले दोस्तों आपको भाई फार्म का अपडेट देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भाई हमारे जो दोनों बच्चे थे कबूतर के, अभी खुद से थोड़ा थोड़ा खाने लग गए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खाते हैं ये भाई, थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेते हैं आराम से। और ये यहाँ पर जो हमारा डक का बच्चा निकला हुआ था, ये देखिए भाई ये पूरी तरीके से निकल गया है, ये बस थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मेरे हिसाब से भाई ये आज शाम तक ठीक हो जाएगा। इसको मैंने पानी भी पिलाया, पानी भी पी लिया भाई इसने, और आराम से निकल भी गया दोस्तों। ये मतलब इसने भाई खुद से पानी पिया, इसको दाना खिलाने की कोशिश करी तो इसने दाना खाया नहीं। तो आप अगर भाई कमेंट में बता सकते हैं कि डक के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, ये देखिए आप। तो भाई इनको छोड़ते हैं इनके हाल पर, ये बच्चा चला जाएगा खुद से इसके अंदर। और यहाँ पर भाई हमारे दो रेबिट है, ये देखिए दोनों, ये वाइट वाली में फीमेल है और ये ब्लैक वाला जो है ये मेल है। इनके लिए देखिए कितना सारा चारा लेके आया हूँ भाई, ये चारा खा लेंगे। इसके अंदर दोस्तों दरोग और जो जंगली घास होती है वो है, तो ये थोड़ा कम शौक से खा रहे हैं, देखते हैं भाई ये शाम तक खाते भी है कि नहीं। पर मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों ही खा लेंगे। और देखिए हमारे भाई जो फीमेल रेबिट है इसका पेट कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, बस ये थोड़े टाइम में बच्चे भी देने वाली है। तो हमारी जो मुर्गी भाई यहाँ पर है तो इसको यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर भाई ये जो मुर्गी है इसने भाई अपना काम कर लिया, देखिए बतख का बच्चा निकाल लिया है। तो इस वाली मुर्गी का जो टप है, मतलब मुर्गी को यहाँ से हटा देंगे और इस वाली मुर्गी को ये वाला पिंजरा दे देंगे, क्योंकि देखिए भाई हमारे कबूतर के बच्चे हैं ये भी बड़े हो गए हैं और ये बच्चे हो चुके हैं सेल आउट। तो इनको भाई अब जिसने लिए थे उनको दे देंगे, ये बच्चे वहाँ पर जाएंगे और आराम से भाई बड़े हो जाएंगे। और इस वाली मादी के लिए अगर देखेंगे भाई 2-4 दिन में इसका अगर नर वापस आ जाता है तो ठीक, वरना इस वाली मादी के लिए एक नया नर लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी भाई मेन टॉपिक पे आता है कि अगर आपकी मुर्गी भाई अंडे देती जा रही है लेकिन कुड़क नहीं हो रही है, तो आप उसको किस तरीके से कुड़क कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इस वाली मुर्गी, ये भाई इतने टाइम से अंडे दे रही थी लेकिन ये कुड़क नहीं हो रही थी, तो मैंने भाई इसको क्या करा और आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी मुर्गी भाई कुड़क नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई आपको क्या करना है कि आपकी जो मुर्गी है जहाँ पर अंडे देती है उस जगह पर आपको 2 से 3 अंडे रख देने हैं। आप डमी अंडे भी रख सकते हैं या फिर आप जो फार्मी अंडे रहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अनफर्टाइल अंडे या फिर मुर्गी के खुद के भी अंडे रख सकते हैं। लेकिन अगर मुर्गी के अंडे रखेंगे तो आपको भाई क्या करना है कि एक दिन में एक अंडा पलटते जाना है, वरना अगर वो अंडा फर्टाइल होगा तो भाई वो उसके अंदर से बच्चे भी निकल सकते हैं। तो भाई साहब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी मुर्गी अंडे देने के लिए जाती है तो आपको जाना है उसके पास में और भाई वहाँ पर रख देना है 2 से 3 डमी अंडे। देखिए अभी मैंने इसके नीचे 2 डमी अंडे रखे हुए हैं, ये देखिए, और मतलब डमी नहीं दोस्तों ये अंडे है भाई, कल मैंने दूसरे रखे तो आज अंडे वापस पलट लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, अंडे रखना है और आपकी मुर्गी को भाई अगर आपके पास डला है, देखिए मेरे पास भी डले हैं पर मैंने इसको डले में बंद नहीं करा, मैंने इसको भाई इस तरीके से बंद कर दिया। अब ये चाह के भी बाहर भाग नहीं सकती है, यहाँ पर आराम से इसको भाई ज़बरदस्ती अंडों के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। और दोस्तों भाई मुर्गी की मिजाज रहती है अंडों के ऊपर बैठती है, अगर दोस्तों आपकी मुर्गी भाई अंडे दे रही है और अगर आप उसको ज़बरदस्ती अंडों बिठाओगे तो भाई वो बैठ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसको 2 से 3 दिनों तक, मतलब लगभग 2 दिनों तक तो भाई कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है और पानी भी नहीं देना है इसको, तो जिससे भाई ये ज़बरदस्ती अंडों के ऊपर बैठेगी। और जब तीसरे दिन ये उठे तो आपको उसको पास में रहकर भाई 5 मिनट के लिए दाना पानी खाने के लिए छोड़ना है और दोबारा से इसको अंडों के ऊपर बिठा देना है, जिससे क्या होगा भाई ये अंडों को मतलब ज़्यादा अपनाएगी और अंडे देने पे भाई इसका ध्यान कम रहेगा, कम दाना खाएगी तो अंडे देना ऑटोमेटिकली बंद कर देगी और भाई ये खुद से कुड़क हो जाएगी। अगर दोस्तों आप इस तरीके को अपनाते तो भाई आपकी मुर्गी 100% कुड़क होगी। और देखिए मेरी मुर्गी भाई इस तरीके से कुड़क हो गई है, आज शाम तक और इसको इन अंडों पर बैठे रहने देंगे, फिर उसके बाद भाई इसको दूसरे अंडों पर बिठा देंगे। देखिए मेरे पास कितने सारे अंडे हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस वाली मुर्गी का भाई काम अब खत्म हो चुका है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और इसके बच्चे के साथ भाई इसको शिफ्ट कर देंगे आज शाम को यहाँ पर। और ये बच्चे भी भाई देखिए लगभग तो बड़े हो ही गए हैं, ये वाली मादी तो देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन वो कम हुई है तो उसका कुछ ना कुछ जमाना पड़ेगा या फिर इनको अभी 1-2 दिन और रखना पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो बतख ये वाली मुर्गी भाई ये मारती है इन खरगोशों को, और मेरे पास जाली जो है भाई एक ही है, तो कुछ ना कुछ समझ के गणित करना पड़ेगा, तो समझेंगे इसको। तो आज के लोग को दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पे खत्म, उम्मीद करता हूँ भाई आज के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो भाई ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।